استغفر الله. से आशना से दो अजनबी हुए हैं, तन्हाइयों के लम्हे सब मुलतवी हुए हैं, क्यों आज यार ये खराब कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टीना व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? ये मैं डांस कर रही हूँ पता नहीं क्यों। आज हम लोग गए थे बाहर सेंटर पॉइंट, घर के पीछे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और ये आप लोगों को सलाम कर रही थी। हम गए थे सेंटर पॉइंट, मेरी बेस्ट 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 फ्रेंड का होने वाला है छोटा सा बेबी, तो उसकी शॉपिंग करने, जो कि मैंने बहुत एक्साइटमेंट के साथ की है। वो करने के बाद हम ऊपर गए स्प्लैश पे, और ये है सारा, वो रूम्स बनाए हुए हैं डेकोर करे हुए हैं, और ये हम आ गए स्प्लैश पे। और यहाँ आके तो मेरा दिमाग ही घूम गया था, दिल कर रहा था सब ले लूँ बट नहीं ले सकती ना। बस ये इतने लगाती हूँ मैं, पर बचाने भी चाहिए। खैर मैंने नहीं लिया कुछ भी, आप लोग टेंशन ना लें। ये बैग बहुत प्यारा था पर मेरे को समझ नहीं आया मैं ये पहन के जाऊँगी किधर। और ये वाला तो बहुत ही क्यूट था, पर मुझे पता था ये मैं लूँगी तो मुझसे ज़्यादा ले लेगी, इसलिए मैंने इज़्ज़त के साथ वापस रख दिया। और ये भी बहुत क्यूट था पर ये भी मुझे पता नहीं था मैंने कहाँ लेना है। ये हुरलैन ने मुझे बुलाया, बोलती है स्क्रंचीज देख लो, मैंने कहा मेरे इतने से तो बाल है, मैंने कहाँ लगानी है। और ये लड़की परेशान हो गई ये देख के ग्लासेस, बोलती है मेरे को चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल नहीं बेटा, इज्जत के साथ वापस रखती चाहिए। और इन्होंने रख दिए। और ये मैं आप लोग को रिंग्स दिखा रही थी क्योंकि मैंने कहा अगर मेरा एक अदद बंदा होता तो मैं उसके ले लेती ये भी और मतलब लेती बहुत कुछ लेती। बट मेरे फ्यूचर हस्बैंड अगर ये सब देख रहे हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी एज सून एज पॉसिबल। और ये मेरे को ग्लासेस बहुत प्यारे लग रहे थे बट मैंने लिए नहीं। और ये भी बहुत क्यूट लग रहे थे बट मेरे को ये वाइट में चाहिए थे लेकिन शेप वो चाहिए थी तो नहीं थी। और ये मेरे को प्यारे लग रहे थे पर जब मैंने ये पहना तो ऐसा लग रहा था वो नहीं क्या था अंधे को रास्ता दिखाओ। और ये फिर हम आए थे सलून, वहीं पे स्प्लैश के अंदर ही है। तो मेरे साथ मेरी दोस्त गई थी, उसको आईब्रोज बनवानी थी और वो मैं बैठी हुई हूँ। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे गए थे, यहाँ पर सब घर की चीज़ें हैं, यहाँ लैम्प्स वैम्प्स पड़े थे और ये शीशे हैं। फिर मेरे को याद आया मेरा तो अभी घर ही नहीं है, मतलब है लेकिन वो अपना तो नहीं खिला सकते ना। तो ये यहाँ पर रूम्स बने हुए थे, मतलब आइडिया रखा हुआ था इन लोगों ने, ऐसा बनाओ सब कुछ एक रूम का एक ही जगह से उठा के ले जाओ, सही है अच्छा। और ये हुरलैन मेरे को ज़बरदस्ती वहाँ पे बुला रही थी, मैं जाना नहीं चाह रही थी, मेरे को भगा के वहाँ पे ले गई। और ले जाकर आप लोगों को मैं बताती हूँ अभी इसने मेरे को क्या दिखाया है। ये मेरे को बोल रही है ये देखो, पूरी जगह छोड़कर ये लड़की मेरे को बाहर का व्यू दिखा रही है, हद नहीं होगी। उसके बाद मेरे को यहाँ बेड पे ले गई, बोलती है ये चाहिए अभी चाहिए, मैंने कहा हाँ ठीक है पाकिस्तान पार्सल करते हैं इसको अभी। और ये चढ़ गई ऊपर, चली गई ऊपर, क्या बनेगा इस लड़की का। मैं जाके बैठ गई, बोलती है आप लोग जाओ घूमो मैं यहीं पर हूँ। उसके बाद ये हमने देखा, ये मेरे को मेरी दोस्त ने बताया कि ये बड़ा सुकून देता है, तो मैंने कहा बाद में लेते हैं सुकून। और ये जगह थी हम जहाँ गए थे, ये बिल्कुल हमारे घर के ना थोड़ा पीछे की साइड है। तो हम लोग गए थे खाना खाने पिज्ज़ा हट, और ये मोटो जा रही है मटक मटक के। मोटो की भूख से बुरा हाल था तो ये ज़्यादा बात नहीं कर रही थी उस वक्त। उसके बाद हमने ऑर्डर दिया और ये लड़की ये लो कैमरा देखते ही स्माइल आती है। और ये पिज्ज़ा हट है, हमारे वहाँ तो ऐसा नहीं होता है भाई, यहाँ पे क्यों ऐसा। और ये हमारा स्टार्टर आया था और हमने फटाफट खा लिया क्योंकि सब ऐसा लग रहा था पता नहीं सुबह 10 बजे से बाहर निकले। और ये फिर पिज्ज़ा आ गया, दो अलग अलग मंगवाए थे हमने, डील मंगवाई थी। तो ये गुब्बारे फुला रही है पता नहीं क्यों, अजीब कुछ भी। और ये मेरी दोस्त है और उनके हस्बैंड है, तो ये हुरलैन की है परी लाडली बोलो। और उसके बाद हम घर आ गए, मैंने चाय पी, रुद्र देखा, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये आजकल ना सीज़न आया हुआ है डिज्नी पे। और उसके बाद हमने की कलरिंग, मेरी कलरिंग बुक ले आई
और अपनी जगह छुपा दी। बोलती है टीना की कलरिंग बुक में सारे कलर करेंगे। उसके बाद हमने ये कि हमारा कमाल देखे, 3 घंटे लगे इस पर, आम बात नहीं है। हाँ तो ये हमने कंप्लीट करी। यहाँ पे चल रहा है अंताक्षरी, यहाँ अंताक्षरी चल रहा है उर्लैन के माइक में। उर्लैन उर्लैन मुंह बनाया हुआ क्योंकि उसको गाने नहीं आ रहे। आओ वाओ आ गया, वाओ गिरो, चलो वाओ से गाओ। एक तेरे नहीं, वो तो तेरे हो गया। वाओ से तीन, अभी अभी मैंने बताया था। चार, वाह वाह राम जी। पांच, फिर नहीं गा रही, मैं बता रही हूँ फिर भी नहीं गा रही। भाई मैंने नहीं माना। चलो एक तो ये हर खेल में मुंह बना लेती है। फिर हमारे घर पे आए ये मेहमान, डायना आई, उसके पापा आए और उसकी मम्मा आई। बिल्कुल काम नहीं करवाते फिर भी मेहमान। चलो फिर हम लोग ने खाना खाया, पुलाव बनाया था। आहा क्या पुलाव था ब्रो। और फिर ये हुरुलैन ने बहुत 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 मार खाई रायना से, और ये रायना ने सर पकड़ लेती है। आजकल इसके इसने नया सीखा है, ओह माय गॉड करके ना ये हाथ सर पे रख लेती है। तो ये हुरुलैन आराम से उससे मार खा रही है। रायना से खा सकती है और किसी से नहीं खा सकती। तो ये रायना फिर मेरे पे आ गई, मेरे को मारने लग गई। पता नहीं मैंने क्या बिगाड़ा था इसका। फिर ज़ारा आ गई मेरी बुक लेके, वो भी बैठ गई कलरिंग करने। और फिर ये लोग प्लानिंग कर रहे थे कि रायना की बर्थडे आने वाली है नेक्स्ट मंथ, तो कहाँ करनी है, क्या करना है। और फिर ये रायना को कलरिंग करवा रही थी, पर रायना बोलती है मेरे हाथ में पेंसिल दे दो बस। और ये इनका प्यार, हम सब बैठे हुए थे वही दोस्त के कमरे में। ये हुरुलैन बिल्ला, यहाँ मैं नीचे इसलिए गई थी क्योंकि भाभी ने मेरे को बुलाया चीखे मार मार के कि नीचे आओ, इस बिल्ले को हटाओ, मैंने ऊपर जाना है। फिर मैंने इस बिल्ले को हिश किया, ये तो भाग गया। और उसके बाद भाभी भी उसी तरफ भाग रही है जिस तरफ वो बिल्ला आ रहा है। अभी ये देखो इनको। ये हमारी भाभी हैं जो बिल्ली से बहुत डरती हैं। सिर्फ भाभी नहीं, सारा भी बिल्ली से बहुत डरती है। तो ये भाभी भाग गई अंदर, बोलती हैं दरवाज़ा फटाफट बंद कर दो कहीं वो वापस ना आ जाए। तो ये ऊपर चले गए, फिर हम मैं इनको बचाने नीचे आई थी। अब मैं चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।